बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इस वक्त आपके साथ हमजा भट्टी। तमाम दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, बात इस तरह से है कि एनसीओसी का जो इजलास था और तमाम स्टूडेंट्स की जो है वो नज़र एनसीओसी के इजलास पर थी। एक तालीमी इदारे को जो है छुट्टियाँ दी जाती हैं और 9th और 11th क्लास के जो हैं वो पेपर जो हैं पोस्टपोन किए जाते हैं, किस तरह की सिचुएशन बनाई जाएगी। जो इनका इजलास था वो इस तरह से हुआ कि एनसीओसी का जो इजलास है वो 10 से 15 मिनट हुआ है, वज़रा की अदम मौजूदगी के बाइस, ठीक है, वज़रा जो है वो शिरकत उन्होंने नहीं की। इसी वजह से जो है वो जो उनका इजलास था वो 10 से 15 मिनट जारी रहा। उसके बाद जो है तमाम सूबों को इख्तियारात दे दिए गए हैं कि उन्होंने किस किस तरह से छुट्टियां करनी है तालीमी इदारों में, और उनके पास ही अब इख्तियार हो तो इख्तियार होगा। मज़ीद ये है कि जो आपके यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम हैं वो मे बी फ़िज़िकल ही हों, क्योंकि मैंने जितने भी प्रीवियस वीडियो बनाई थी उसमें मैंने यही कहा था, जितने भी मैंने अपलोड किए थे कि आपने प्लान भी साथ टच करके सुनना है, शॉर्ट सिलेबस फिज़िकल में प्रिपरेशन में लाजमी रखना है। और इसके अलावा जो कल की खबर थी, जो रिसोर्सेज बता रहे थे वो ऑनलाइन की थी मैक्सिमम चांसेस, क्योंकि इधर से एनसीओसी का इजलास भी था, तो वो खबर जितनी भी चल रही थी मुख्तलिफ़ टी वी चैनल्स पर भी एनसीओ के इजलास में 1 माह की छुट्टियाँ भी दी जा सकते हैं, पोस्टपोन की भी खबरें चल रही थी। इसी तरह से हमने भी अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर की थी, तो इस तरह की अभी तक कोई वो फैसला नहीं हो सका। जो प्लान बी था आपका फ़िज़िकल का, जो मैंने शेयर करता रहा था हर अपनी प्रीवियस वीडियो में, तो अब वहीं जो है आप अपने लेके चलें और इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक अगर फ़िज़िकल एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी आपसे कंडक्ट करती है तो। और अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह हाफिज़।